सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन देखने के लिए ऑटो एंड टेक वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए ऑल न्यू महिंद्रा जीतो मिनी वैन का एक्चुअल लुक, हाउ द वैन लुक्स इन द शोरूम। तो दोस्तों, पहले आप एक साइड प्रोफाइल का लुक ले लीजिए इसका, और फिर इसका जो फ्रंट है वो देखते हैं। तो काफ़ी एक चाइल्डिश फ्रंट फेस दिया गया है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो इधर नॉर्मल पूरा आपको क्लस्टर मिलता है। नीचे आपका जो बम्पर एरिया हो गया पूरा आपको ब्लैक फिनिश के ऊपर मिलता है, बॉडी कलर पे नहीं मिलता है। यहाँ पे जो इसके हेडलैम्प्स हैं राउंडेड शेप में दिए गए हैं, नॉर्मल हेडलैम्प्स हैं। जैसे आप देख सकते हो एरिया भी बहुत वाइड है, तो आपकी जो रोड पे विजिबिलिटी डेंसिटी आएगी तो काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगी। बीच में जो ग्रिल है पूरी आपकी, ग्रिल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरा ये प्लास्टिक फिनिश में दिया गया है, और यहाँ पे जो फिनिश है पूरा ये ब्लैक डस्की फिनिश पे है, और महिंद्रा का लोगो आपको पूरा क्रोम पे मिल जाता है। दोस्तों, अगर इसके साइड्स देख लेते हैं यहाँ पे, तो साइड से पूरा एक लुक दे देता हूँ आपको, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्यूरा जो इसका इंजन है, वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बाकी जो आपका इंडिकेटर हो गया उसका आपको बॉडी पे ही ब्लिंकर मिल जाता है। नॉर्मल रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं आपको इसमें, ऐसा कोई हाई एंड गाड़ी या कोई एसयूवी नहीं है, तो नॉर्मल आपको रियर व्यू डस्की ब्लैक फिनिश के ऊपर मिलते हैं। अब चलेंगे जो मिनी वैन है उसके पीछे, और पीछे से पूरा मैं लुक दे देता हूँ। तो पूरा आपको पीछे अपना जो लगेज है जनरली स्कूल्स में बच्चों को लाने के लिए यूज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो पूरा आपको ऊपर कैरिंग एक मिल जाती है, तो सामान वगैरह लोड कर सकते हो। इसके अलावा जो इसका बैक प्रोफाइल है वो पूरा मैं आपको शो कर देता हूँ पीछे से, पीछे से भी आपको आइडिया लग जाएगा। जी तो मिनी वैन जैसे आप देख रहे हैं, बम्पर एरिया वैसे ही आपको पूरा ब्लैक मिलता है, जो आपके बैक लैंप क्लस्टर हो गए वो आपको नॉर्मल मिल जाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो महिंद्रा की ब्रांडिंग हो गई, जो आपकी प्लेट है उस पर आपको मिलती है, और वो भी क्रोम पे दी गई है, जो एक अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों चलते हैं अंदर, और अंदर से जो इसका इंटीरियर है वो पूरा शो कर देता हूँ आपको। एक्सटीरियर मैंने पूरा आपको दिखा दिया है, जल्दी से इसके जो व्हील्स हैं वो देख लेते हैं। नॉर्मल व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, और 12 इंचेस व्हील हैं, और ऐसा कुछ ऐसा जिसमें है नहीं, नॉर्मल आपके व्हील्स हैं, रिम व्हील्स आपको मिल जाते हैं। और इधर आपकी जो जीतो मिनी वैन LXD मॉडल जो है उसकी पूरी ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पे। अब दोस्तों अंदर से पूरा इसका मैं लुक दे देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं कोई भी फैंसी चीज़ नहीं है, ना कोई AC वेंट्स, ना कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम, जैसे कि आप जानते हैं मिनी वैन है कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ होगी, तो वैसे ही पूरे आपको इसके इंटीरियर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो जो पूरा ब्लैक डॉट फिनिश पे आपको जो डोर हैंडल है वो मिल जाते हैं, आपका जो विंडो डाउन करने के लिए हैंडल है वो आपको मिलता है, हल्की सी यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश भी दी गई है। तो इसमें भी कोशिश की है महिंद्रा ने इसको एक अच्छा प्यारा लुक देने के लिए। इधर आप देखते हैं अगर, तो जो आपके मेन मीटर्स हैं वो आप देख सकते हो, तो नॉर्मल आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है, छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है, इसमें आपको ओडो वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी देखने के लिए। यहाँ से अपना आप जो हैजार्ड है वो ऑन कर सकते हो, हैजार्ड लाइट। इधर अगर देखते हैं तो आपका जो टॉगल है वाइपर का वो मिल जाता है, इधर आपका जो लाइट और इंडिकेटर का टॉगल है वो आपको मिलता है। बाकी अगर इसका जो गियर है वो देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है विद रिवर्स, और काफ़ी हाइट पे दिया गया है, तो आपको बहुत बढ़िया रीच मिलेगी। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। ये सब बाकी आपके एम्प्टी एरियाज़ हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान आप डाल सकते हो। ग्लव बॉक्स भी आपका जो इसका है वो भी की से ही खुलेगा। सीट्स भी ठीक हैं, जिस रेंज में है, जिस चीज़ के लिए बनी है गाड़ी उस हिसाब से पूरा आपको ये इसका इंटीरियर मिलता है। तो पूरा एक एज अ होल लुक आप यहाँ पे ले लीजिए, सब कुछ मैंने आपसे शेयर कर दिया है इसके फ्रंट में। तो दोस्तों अब चलते हैं, थोड़ा सा पीछे का भी लुक दे देता हूँ मैं इसका आपको, कि पीछे कैसा है और कितनी कैपेसिटी है इसकी। तो जो लोग इसको कमर्शियली ख़रीदना चाहते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पीछे का गेट है वो पहले अंदर से देख लेते हैं। नॉर्मल आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है डस्की ब्लैक फिनिश के ऊपर, और आपका जो डोर खोलने के लिए हो गया, इसी साइड से आपकी एंट्री है, उस साइड से आपको एंट्री नहीं है, एक ही साइड से आप एंटर कर सकते हो, जैसे कि एक मिनी वैन है। और यहाँ पे जो सीटिंग है वो आप देख लीजिए, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा इसकी सीटिंग कैपेसिटी का। काफ़ी ब्रॉड एरिया दिया गया है यहाँ, बीच में भी लगेज वगैरह है, स्कूल बैग्स हैं, अगर आप कमर्शियल पर्पज़ के, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं बच्चों को लाने वाने के लिए, तो बैग्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी आपको अच्छी इसमें यूजबिलिटी और कन्वीनियंस मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों मत भूलिएगा,
तब तक दोस्तों देखते रहिए, ज्ञानी इनफ लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। इसके बारे में अगर कोई आपकी क्वेरी है जीतो मिनी वैन के बारे में तो ज़रूर मुझसे पूछेगा, उसको मैं सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप कौन सी गाड़ी और देखना चाहते हैं उसके लिए मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, वो भी मैं जल्दी से जल्दी लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तब तक दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।